शेयर हुई है। इंस्टेंट मैसेजिंग की, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर हमारे पास हमने बात करी कि बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग होती कैसे है और कैसे जो है वो दो यूजर जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर बात करें चैट। चैट क्या है? बेसिकली अ रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन दैट टेक प्लेस ऑन अ कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस विद मैनी अदर ऑनलाइन यूजर्स। तो चैट में आपके पास क्या होता है कि आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है दूसरे और यूजर्स के साथ। किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, यानी कि चैट जो है वो आपका ये रियल टाइम, आप जब जिस टाइम पे जो जो चैट सर्वर जितने भी, जो चैट सर्वर क्या करता है कि जो दूसरे यूजर्स होते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट कर देता है ऑन रियल टाइम सिनेरियो। जैसे मैंने बताया था पिछली वाली इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर कि एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर के साथ रियल टाइम में कनेक्टेड है, और दोनों आपस में इंस्टेंस मैसेजिंग के अंदर दोनों का पाथ जो है वो सेट हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स पाथ के थ्रू जो है वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दोनों आपस में इंस्टेंट मैसेजिंग कर पा रहे हैं। अब जब एक एक यूजर मल्टीपल यूजर के साथ कनेक्टेड होता है या मल्टीपल यूजर जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास होता है चैट सर्वर। ये चैट सर्वर क्या कर रहा होता है? इसका स्पेसिफिक यही काम होता है कि ये जो है वो सिर्फ चैट की जो रिक्वेस्ट आ रही हैं या चैट पे जो मैसेज सेंड किया जा रहा है या जो रिसीव किया जा रहा है, ये सिर्फ उसको डील कर रहा होता है। तो ये जो चैट सर्वर है ये स्पेसिफिकली सिर्फ वही काम कर रहा होता है। और हमने जैसे पीछे देखा था कि हमारे पास एक ईमेल सर्वर था, फिर ईमेल सर्वर के साथ ही हम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर भी यूज कर रहे थे। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर तो नहीं होते, खैर वो ईमेल के थ्रू ही आपकी जो है वो उस पे उसको हम यूज कर लेते हैं। लेकिन ये कि चैट सर्वर में आपके पास जो है वो बैकएंड के ऊपर एक चैट सर्वर होता है जो कि आपकी चैट को डील कर रहा होता है। ठीक है, और वो चैट चैट सर्वर क्या कर रहा होता है? चैट रूम बना रहा होता है, और चैट रूम या तो कोई वेबसाइट और एप्लीकेशन है जो कि परमिट कर रही होती है यूजर को कि वो ऑनलाइन चैट कर सकें एक टाइम के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम जिसमें आप उसमें लॉग इन है या आप उसमें अपेयर हुए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपके पास एन ऑनलाइन डिस्कशन। ऑनलाइन डिस्कशन इज एन ऑनलाइन एरिया इन विच यूजर हैव रिटन डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गूगल ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया हो? कोई है जिसने गूगल ग्रुप के ऊपर कभी डिस्कशन की हो? क्योंकि उसमें होता है कि एक टॉपिक होता है और उसके ऊपर फिर जो है वो लोग अपनी कमेंट दे रहे होते हैं और डिस्कशन लिख रहे होते हैं, उसके बारे में लिख रहे होते हैं और अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। तो गूगल ग्रुप्स में बेसिकली ये डिस्कशन बोर्ड है, एक तरह से ग्रुप्स हैं। उसमें एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग ऐड होते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपस में बात करते हैं। मोस्टली जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्चर जो होते हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं, गूगल ग्रुप्स, क्योंकि उसके ऊपर फिर जब उनको कोई बात करनी होती है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक, तो वो उस टॉपिक के अगेंस्ट जो बात कर रहे होते हैं वो फिर उसमें अपनी अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, अपना अपना इनपुट देते हैं, और इस वो इनपुट जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, ताकि बाद में अगर आके उस इनपुट को कोई रिव्यू करना चाहे या उससे कुछ कुछ गैदर करना चाहे, कुछ हासिल करना चाहे, गेट करना चाहे, तो वो गेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है VOIP, वॉइस ओवर आईपी। ये करता है इनेबल यूजर टू स्पीक टू अदर यूजर वाया देयर इंटरनेट कनेक्शन। इस वक्त हम लोग जो बात कर रहे हैं वो VOIP पे कर रहे हैं। VOIP में से मुराद ये है कि हम अपनी मैं अपनी वॉइस जो है वो आईपी के थ्रू आप तक तो पहुंचा रहा हूँ। देखिए, मेरे सिस्टम की एक आईपी है और आपके सिस्टम की एक आईपी है, और इस आईपी के थ्रू जो है ना हम आपस में कनेक्टेड हैं, और आप मैं अपनी वॉइस जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ और आप अपनी वॉइस जो है वो मुझे मुझ तक आपकी वॉइस जो है मुझ तक पहुंच रही है। तो ये ओवर द आईपी। ठीक है, इसी तरह से VOIP के अंदर जो है वो सिस्को के टेलीफोन भी आते हैं जिसमें कि वो डायरेक्टली आपका जो जैसे जैसे सपोज आपके लैंडलाइन फोन होते हैं,
ठीक है, सेम एज इट इज वो सिस्को के फोन्स होते हैं, एचपी के भी आते हैं, हवावे के भी आते हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर किसी जो मोस्टली ये यूज कर रही होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूफोन के अंदर जो है वो वीओआईपी लगे हुए हैं, तो जितने भी यूफोन के आपस में जितने रीजन है यूफोन के, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन सब के अंदर जो आपस में जो इनको एक दूसरे से कनेक्शन है वो वीओआईपी के थ्रू हुआ है। तो वो लोग पीटीसीएल या एनटीसी की लाइन उन्होंने नहीं ली हुई लैंडलाइन, तो वो अपना ही लैंडलाइन यूज करते हैं, तो उसमें जो है वो उनकी कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, तो वॉइस ओवर आईपी में क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपनी वॉइस जो है वो ट्रांसफर कर सकें या बात कर सकें। फिर आपके पास एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप सबको याद होगा हमने एचटीटीपी पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, और हमने पढ़ा था एचटीटीपीएस। अच्छा, ये आप जितने भी है ना, ये मुझे चैट में ये भेजें जरा, एचटीटीपीएस का मतलब क्या है, ताकि मैं देख लूँ आप लोगों को पता भी है कि नहीं पता। ठीक है, सब चैट में मुझे एचटीटीपीएस का मतलब भेजें। अच्छा, एफटीपी क्या है हमारे पास, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्या था, लास्ट क्लास में, लास्ट में हमने देखा था कि बेसिकली जो वेब सर्वर है या जिस वेब सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उस वेब सर्वर को जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो एक एफटीपी की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और ये एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू जो हम उसको जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, गुड। और भी अगर स्टूडेंट्स बताना, ये एवरीवन क्यों भेज दिया बेटा, प्राइवेट भेजना था ना, एवरीवन में तो सबने देख लिया। ठीक है, अच्छा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली हम अपने पास से, मैं अपने पास से अगर कोई फाइल ट्रांसफर करता हूँ या कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ या कोई फाइल अपलोड करता हूँ, तो वो फाइल जो डाउनलोड होती है या अपलोड होती है वो एफटीपी के थ्रू होती है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो इससे पहले हमने देखा था कि एचटीटीपी में क्या था, एचटीटीपी एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर का प्रोटोकॉल था। यानी कि HTTP के ऊपर मैं जो भी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ सर्वर को, तो सर्वर उसको समझता है कि मुझसे एक हाइपर टेक्स्ट की जो है वो रिक्वेस्ट की गई है, और अगर मैं FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सर्वर ये समझता है कि मुझे सर्वर से एक फाइल की रिक्वेस्ट की गई है, आइदर इट्स फॉर डाउनलोड और अपलोड। तो आप एक पूरी की पूरी फाइल जो है वो आप एक डाउनलोड होगी, अपलोड होगी, इट्स अदर अदर देन के वो फाइल आपकी वीडियो फाइल भी हो सकती है, वो ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वो पीडीएफ की फाइल भी हो सकती है। ठीक है, इट्स जस्ट अ स्पेसिफिक अ फाइल, ठीक है। लेकिन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें टेक्स्ट वो आपको ट्रांसफर करता है, और वो टेक्स्ट आपका ब्राउजर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद उस टेक्स्ट को, हाइपर टेक्स्ट को आपके पेज अपने स्क्रीन के ऊपर रेंडर करता है। ठीक है, वन बाय वन उसको रीड करता है और रेंडर करके और आपको अपेयर करके दिखाता है। लेकिन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सर्वर क्या करता है, आपको एक फाइल या तो डाउनलोड करवाता है या तो अपलोड करवाता है। तो जब कभी आपने देखा होगा कि आपकी कोई फाइल अगर अपलोड हो रही है या डाउनलोड हो रही है, तो वो एफटीपी के थ्रू होती है, एचटीटीपी के थ्रू नहीं होती। इट्स इट्स अदर देन कि आप जो है वो एक ब्राउजर में रहते हुए इसको, एफटीपी को यूज करते हैं, लेकिन फाइल आपकी जो है वो एफटीपी से ही अपलोड और डाउनलोड होती है, ट्रांसफर होती है। आप इसको सिंपल में कह सकते हैं कि ट्रांसफर होती है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी ये डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट परमिट फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग टू एंड फ्रॉम अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो अदर कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उससे हम अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उनपे उनसे अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड एफटीपी कैपेबिलिटीज, एन एफटीपी सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट अलाउ यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल यूजिंग एफटीपी। तो एफटीपी की जो सर्विसेज हैं वो हमारे पास सर्वर्स के पास होती हैं, जिनसे हम फाइल एक अपलोड कर सकते हैं और हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि ये क्या है, एफटीपी सर्वर इज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर, मैं अपने सर्वर, कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकता हूँ,
दैट इज अनदर थिंग. में अगर वो फ्यूचर में आती है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास एन एटिकेट इज द कोड ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरनेट बिहेवियर. एक तो होता है आपके पास एटिकेट, ठीक है, और एक होता है एन एटिकेट. एन एटिकेट बेसिकली ये इंटरनेट के लिए यूज होता है. तो इसकी कुछ गाइडलाइंस है हमारे पास. एन एटिकेट गाइडलाइन ऑफ फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, गोल्डन रूल, ट्रीट अदर एज यू वुड लाइक देम टू ट्रीट यू. इसमें ये लिखा हुआ है कि आप दूसरे लोगों को ट्रीट करें ऐसे जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपको ही भी वैसा ही ट्रीट करें. ठीक है. हाँ अच्छा. बी पोलाइट, अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज, अवॉइड सेंडिंग और पोस्टिंग फ्लेम्स विच आर अबसिव और इंसल्टिंग मैसेजेस. डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लेम वॉर्स विच आर एक्सचेंज ऑफ फ्लेम. यानी कि मतलब भड़काओ ना फैलाएं आप तो ज्यादा बेहतर है नेट के ऊपर. बी केयरफुल व्हेन यूजिंग सरसम एंड ह्यूमर एज इट माइट बी मिस इंटरप्रेटेड. अच्छा, ये बेसिकली आपको बताने की वजह क्या है कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है हर हर कंट्री का. तो आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके पास अभी पीटीए वालों के मैसेजेस भी आ रहे हैं बाल्स फेमी के ऊपर कि आप जो है वो इस तरह का कोई चीज शेयर ना करें मैसेज के ऊपर, या आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी ऐसी चीजें ना शेयर करें, वो आपके ऊपर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है. ठीक है. तो आपके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो आपको उसकी सजा मिल सकती है. तो सेम एज इट इज ये एन एटिकेट की भी गाइडलाइन है. जो पीटीए है उसने इन गाइडलाइंस में से या फिर फर्दर और मजीद गाइडलाइंस में से उसको कंक्लूड किया है और वो फिर आपको मैसेज कर रहा होता है. तो जैसे ये जितनी भी चीजें हैं, बी पोलाइट, अवॉइड ऑफेंसिव लैंग्वेज, मलिक नुरेज गलत बताया आपने. जी मलिक नुरेद, आपने गलत बताया, मैंने HTTPS का पूछा था. ठीक है. तो अब इस तरह से जैसे अवॉइड करें आप, मतलब ऐसा भड़काऊ वाली चीजें. भड़काऊ वाली चीजों से मुराद ये है कि जैसे कुछ ऐसी डिस्कशन हो रही होती हैं जो कि भड़काऊ पैदा करती हैं, आप ऐसी इमेजेस ना लगाएं जिससे किसी दूसरे के जज्बात को जो है वो ठेस पहुंच रही हो. ठीक है. या इस तरह की चीजें, तो आप देखें इस तरह की चीजें तो वैसे भी जो है वो दूसरे को जो है वो नुकसानदेह होती हैं, दूसरे लोगों के लिए जो है वो अच्छी नहीं समझी जाती. ठीक है. दूसरे लोग जो है वो उसको अच्छा फील नहीं करते या उनके जज्बात जो है वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते. सो सेम एस्टेस, ये सब एन एटिकेट्स में आता है हमारे, और ये लॉ भी इम्प्लीमेंट होता है. ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे जी ठीक है एन एटिकेट की गाइडलाइन है को फॉलो करनी है नहीं करनी ना करें, नहीं. दैट्स नॉट द ट्रू. द ट्रू इज बिहाइंड दैट कि इसके बैकएंड के ऊपर कोड एंड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है. ऑल्दो के पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेड अभी नहीं है, बट जो इंटरनेट का कोड ऑफ कंडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर इम्प्लीमेंटेड है. आप इस तरह की चीजें बगैर लॉ अगर आपको अलाउ नहीं करता तो आप इंटरनेट के ऊपर यूज नहीं कर सकते. तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आप ह्यूमर नहीं फैला सकते, ठीक है, मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते लोगों को. डू नॉट यूज ऑल विच इज इक्विवेलेंट ऑफ शाउटिंग. यूज इमोट आइकन्स टू एक्सप्रेस इमोशन. पॉपुलर इमोट आइकन्स इंक्लूड स्माइल. इस तरह की चीजें वो कह रहे हैं यूज करें तो ज्यादा बेहतर है. यूज एब्रीवेशन, एक्रोनियम और फॉर फ्रेजेस बी बाय द वे IMHO. ये खैर ये एब्रीवेशन वो कह रहा है कि आप यूज कर सकते हैं. तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऊपर बातें की गई, ये तो मैंने कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बताया. ये वो अच्छी चीजें बता रहा है कि आप चाहें तो ये इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए. बाकी इनको यूज ना करें, ये आपको जो है वो इस पे लॉ इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर. ठीक है. इम्प्लीमेंट हो सकता है लॉ, तो आप लॉ ब्रेक ना करें. तो ये चीजें शायद आपको पहले पता होंगी या नहीं पता होंगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप इन चीजों से बचें. ठीक है. आप ये चीज एक याद रखिएगा कि आपके आईपी एड्रेस से, जिस आईपी एड्रेस से आपने जो है वो लॉगिन इस वक्त आप अपना कंप्यूटर या डिवाइस को यूज कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है. ठीक है. पीछे लॉग बन रहे होते हैं सर्वर के अंदर कि इस वक्त अगर आपका आपके आईपी एड्रेस चेंज भी हो जाता है क्योंकि आप डायनेमिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो भी आपका जो मैक एड्रेस है वो तो पूरी दुनिया में यूनिक है. ठीक
ठीक है, मैक एड्रेस जो होता है हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है, तो वो मैक एड्रेस जो है वो सबका डिफरेंट होता है, तो वो मैक एड्रेस के थ्रू आपको कैप्चर कर सकते हैं। तो बी केयरफुल इंटरनेट के ऊपर इस तरह की चीजें से आप बचें। क्लियरली आइडेंटिफाई अ स्पॉयलर विच इज अ मैसेज दैट रिवील्स एन आउटकम टू अ गेम और एंडिंग टू अ मूवी और प्रोग्राम। बी फॉरगिविंग ऑफ अदर्स मिस्टेक। रीड द एफएक्यू। तो अगर एग्जिस्ट नहीं है तो भी ये कि आप इसके एफएक्यूज पढ़ें और लोगों इससे समझें चीजों को। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आपने देखा होगा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, तो आप एफएक्यूज देखकर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे एंड हो रहा है। तो चैप्टर की समरी, हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट जो आर्पानेट को हमने देखा, वेब देखा हमने, वेबसाइट बेसिकली कैसे काम कर रही है, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट हमने देखी जो मैंने असाइनमेंट में भी दिया है, मीडिया जो वेबसाइट पे यूज हो रहा है वो हमने देखा, और डिफरेंट किस्म की इंटरनेट सर्विसेज देखी हमने, एंड एटिकेट देखा, ठीक है। अब इसके मैं हवाले से अगर आप इसके हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो ये चैप्टर हमारा ये आज खत्म हो गया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। कोई ऐसा स्टूडेंट अगर हो जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो तो वो अटेंडेंस लगवा सकता है अपनी।